हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आए हैं हम लेके BHU MSc एंट्रेंस 2013 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू का सोल्यूशन लेके। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और उसका राइट आंसर क्या है और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लॉग नॉर्मल पैटर्न ऑफ डोमिनेंस डाइवर्सिटी रिलेशनशिप डज नॉट अकर इन। तो देखिए, डोमिनेंस रिलेशनशिप लॉग नॉर्मल, ठीक है, कहाँ पे नहीं होता है। तो ये डील करता है लॉग नॉर्मल पैटर्न ऑफ डोमिनेंस डाइवर्सिटी जो रिलेशनशिप है, ये डील करता है आपका एबोडेंस से, मतलब कहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की स्पीसीज प्रेजेंट है। तो आप लेक इकोसिस्टम देखेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखेंगे, ग्रासलैंड देखेंगे, तो वहाँ पे एबोडेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे वैरायटी वैरायटी की स्पीसीज रहेंगे। लेकिन आपका जो एग्रो इकोसिस्टम है, खेत हो गया, तो खेत में भाई आप अगर फसल लगा रहे हैं कोई, तो एक ही प्रकार का एक ही स्पीसीज लगाएंगे ना, ज़्यादा वैरायटी तो लगाएंगे नहीं, दो तीन लगा सकते हैं, लेकिन एक जगह तो एक ही रहेगा। तो वहाँ पे ये जो लॉग नॉर्मल पैटर्न ऑफ डोमिनेंस डाइवर्सिटी होता है वो नहीं देखा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, डेंसिटी डिपेंडेंस रेगुलेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो देखिए, रेगुलेशन पॉपुलेशन रेगुलेशन आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी इनडिपेंडेंट और डेंसिटी इरिवर्सिबल उसमें मतलब होता है। तीन प्रकार का रेगुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है के सिलेक्टेड स्पीसीज का, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एलिफेंट हो गया, जिनका जो होता है जो बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं, जो मतलब कम से कम ऑफस्प्रिंग देते हैं, तो उसे के सिलेक्टेड, जो जल्दी ही कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाते हैं, ओके, तो उसे के सिलेक्टेड बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, ग्लाइसिन बीटेन हेल्प प्लांट टू अडॉप्ट अगेंस्ट। तो आप पढ़ेंगे प्लांट प्रोटेक्शन या प्लांट फिजियोलॉजी में स्ट्रेस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आप तो पढ़े नहीं होंगे, आगे पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें देखेंगे जब हम सैलिनिटी स्ट्रेस के बारे में प्लांट पे बात करते हैं, जब देखते हैं कि अगर सैलिनिटी कहीं पे बढ़ जा रही है, तो वहाँ पे ग्लाइसिन बीटेन का सिंथेसिस होता है और प्लांट को वो सैलिनिटी स्ट्रेस से बचाता है। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, हाई डाइवर्सिटी डिस्पाइट मोस्ट फ्रिक्वेंस नीचे ओवरलैप इज द फीचर ऑफ। तो कहाँ पे हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलता है और नीचे जो होता है एक दूसरे से ओवरलैप करता है। नीचे क्या होता है, नीचे एक प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है और अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, वहाँ से खाना लेता है, वहाँ पे रहता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसे नीचे बोलते हैं, ओके। तो नीचे ओवरलैप एंड हाई डाइवर्सिटी कहाँ पे होता है, तो जो रेन फॉरेस्ट हो गया, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप बात करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्लांट स्पीसीज, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वहाँ से वो दूसरे एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं, कंपटीट करते रहते, तो वहाँ पे हाई नीचे ओवरलैप देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, हाइड्रिला इज अडैप्टेड टू ग्रोइंग। तो हाइड्रिला कहाँ पे ग्रो करता है, ये मतलब एक प्लांट है एंजियोस्पर्मिक, तो ये ग्रो करता है आपका यूट्रॉफिक वाटर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, द टर्म ब्राउन एयर इज ऑफन यूज टू रेफर। तो ब्राउन एयर, देखिए जब आप स्मॉग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे दो टाइप का स्मॉग, एक क्लासिकल स्मॉग होता है जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड का स्मॉग बोलते हैं, और एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है जो कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड पैन वैन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से बनता है। तो जो ये लंदन स्मॉग है उसे क्लासिकल, और जो ये अगला स्मॉग है ब्राउन एयर वाला, तो इसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं। तो ये जो LA टाइप का स्मॉग है ब्राउन एयर से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडाप्टिव फीचर ऑफ सकुलेंट प्लांट। तो सकुलेंट प्लांट जैसा कि वो वाटर को बचाने के लिए सकुलेंट बन जाते हैं, डिजर्ट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो देखिए उनका रूट ज़्यादा अंदर तक जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है, ओके, ये सही है। अगला, क्विक स्टोरेज ऑफ वाटर, हाँ वाटर का स्टोर करते हैं, और लीव्स जो होते हैं लेदरी हो जाते हैं, ठीक है, ये तीनों सही है, लेकिन स्टेम जो होता है ग्रीन एंड जनरली ग्रीन एंड ग्रो स्लो, तो ऐसा कुछ देखा नहीं जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, कम्युनिटीज स्टैंड इन ए कंटिन्यूस मैनर विदाउट बाउंड्रीज इन स्पेस, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज। तो आप इकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रीट कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये सब, जोनल कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिज्मल कॉन्सेप्ट, तो ये सब अभी BSc में तो आप लोगों ने उतना पढ़ा नहीं होगा,
ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लीजिएगा। तो जो कम्युनिटी जो होता है विदाउट बाउंड्री या स्पेस में होता है, वो डिफाइन किया जाता है कंटिन्यूम स्पेस के द्वारा, कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। इन नेचुरल इकोसिस्टम, यहाँ नीके की ही बात कर रहा है। नीके दो प्रकार का होता है, ठीक है, फंडामेंटल नीके होता है और रियलाइज नीके होता है। तो जैसे फंडामेंटल नीके ये बड़ा होता है, जहाँ पे जैसे आपका रूम है समझ लीजिए, तो रूम बहुत बड़ा है जिसमें आप रहते हैं, तो वो फंडामेंटल नीके है। लेकिन रूम पे रहते हैं, ऐसे समझिए, देखिए रूम आपका हैबिटेट है, ऐसा समझ लीजिए कि रूम आपका हैबिटेट है और आप अपने रूम में रहते हैं तो अपने बेड पे रहते हैं, बेड आपका नीके है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, सोते हैं, बेड पे कभी कभी खाते भी हैं, ठीक है। तो जो आपका बेड है वो नीके हो गया, लेकिन बेड पे अगर खाते हैं, बेड पूरा आपका नीके है समझ लीजिए, फंडामेंटल नीके है जहाँ पे आप पूरा काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे सोते हैं तो एक किनारे पे सोते हैं, तो जितने किनारे पे सोते हैं वो आपका रियलाइज नीके हो गया। पूरे बेड पे तो फैला के किताब रखेंगे नहीं, एक जगह किताब रख के पढ़ते हैं तो उस पे रखते होंगे ना। तो रियलाइज और फंडामेंटल का ही है, फंडामेंटल हमेशा रियलाइज से बड़ा होता है, रियलाइज छोटा होता है फंडामेंटल से। तो रियलाइज नीके जो होता है ऑलवेज लेस देन फंडामेंटल नीके। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। मार्जिनल नेक्रोसिस एंड टिप बर्न इन प्लांट लीव्स इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम। तो देखिए मार्जिनल नेक्रोसिस और टिप बर्न जो होता है ये कॉज होता है एनोटूस टॉक्सिसिटी से। तो नॉक्स मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अगर टॉक्सिसिटी प्लांट में देखा जा रहा है तो वहाँ पे मार्जिनल नेक्रोसिस देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर्डर इन इज करेक्ट। तो देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखेंगे तो हमेशा ये तो कॉन्सेप्ट सबको पता है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाता है कि जो BOD5 होता है वो ऑलवेज लेस देन BOD होता है। तो देखिए COD इज ग्रेटर देन BOD एंड BOD इज ग्रेटर देन BOD5। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच आर द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इंडेक्स टू एक्सप्रेस हैवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ द सॉयल। तो हैवी मेटल पॉल्यूशन सॉयल में मेजर करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसमें से क्या यूज होता है, तो वो यूज होता है इनरिचमेंट फैक्टर। इनरिचमेंट फैक्टर ये बताता है कि कोई भी मेटल है, हैवी मेटल है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स के बारे में मोस्टली डील करता है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी अगर कोई भी पॉल्यूटेंट या कोई भी कुछ रिलीज कर रही है, अब कंपनी में कुछ बन रहा है तो उसका कुछ निकलेगा ना वेस्ट, तो जो रिलीज करती है तो उसका मेजर करता है कि उसका इनरिचमेंट फैक्टर उसमें कितना मेटल की हैवी मेटल का मात्रा है जो कहीं जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। इटाइटाइट डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए ये डिजीज सब याद कर लीजिए। इटाइटाइट डिजीज होता है कैडमियम से, और HG से होता है मिनीमाटा डिजीज, लेड से होता है प्लंबिजम, एंड कैडमियम से नॉकनी होता है। ओके, तो ये सब याद कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज। तो देखिए डाइवर्सिटी अल्फ़ा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो होता है एक हैबिटेट है, ठीक है, एक हैबिटेट के अंदर जितना डाइवर्सिटी होता है, जितने टाइप के डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, तो उसे अल्फ़ा डाइवर्सिटी बोलते हैं। बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम, तो देखते हैं दो हैबिटेट के बीच में, ठीक है, दोनों हैबिटेट के बीच में कितना डाइवर्सिटी है, दो हैबिटेट की बात करते हैं। और गामा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ऑल ओवर द बायोम की बात करते हैं कि पूरे बायोम में कितनी डाइवर्सिटी है, तो उसे हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंग्रोव प्लांट। तो मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं आपका वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे सैलिनिटी स्ट्रेस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैलाइन रहता है, तो वहाँ पे मैंग्रोव प्लांट देखने को मिलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एबिसिनिया है, राइजोफोरा है, तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे अपना निमेटोफोर वहाँ पे देखने को मिलता है, रूट बाहर निकल के सांस लेते हैं, और वीवी पैरी देखने को मिलता है। अगर उस जो प्लांट है ये सब, ठीक है, मैंग्रोव प्लांट, अगर उसका सीड सॉयल पे गिर जाए तो इतना सलाइन वहाँ का सॉयल होता है ना कि वो ग्रो नहीं कर, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो उसमें देखा गया वीवी पैरी, मतलब नीचे गिरने से पहले फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट करके गिरता है नीचे। ओके, तो इसका राइट आंसर एविशिनिया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, फॉल्स कौन सा है। ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, ऑक्सीजन से बन रहा है, ठीक है, रिएक्शन करके वहाँ पे, हाँ ओजोन है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगला क्वेश्चन, पोर्ट सॉल आर जनरली HD की नेचर। ओके, पोर्ट सॉल HD होता है,
एसिड रेन में आल्सो लेड टू ऑल टॉक्सिसिटी। एसिड रेन में हाँ एसिड रेन टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है पानी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। नहीं, एसिड रेन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है, पैन वहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंकटन इज मेजर्ड यूजिंग। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है फाइटोप्लैंकटन का, वो मेजर किया जाता है लाइट और डार्क मेथड के द्वारा। ठीक है, तो याद कर लीजिए, लाइट और डार्क मेथड के द्वारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फाइटोप्लैंकटन का मेजर करते हैं। इकोलॉजी में पढ़े होंगे आप सब। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फॉर ए डियर इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉल्स। तो एक इकोसिस्टम है कहीं पे, वहाँ पे डियर रह रहा है एक हिरन, तो ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ओके, वहाँ के प्लांट को खाता है तो प्लांट प्रोड्यूसर हो गए, तो ये डियर हो गया फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। सेकेंड ऑर्डर प्रोड्यूसर, हाँ प्लांट को खा के कुछ तो बना रहा है दूसरे के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर प्रोड्यूसर भी है, हर्बीवोर है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर नहीं है। ये कार्निवोरस तो है नहीं, डियर हर्बीवोर है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, बायोइडेफिक क्लाइमेक्स आर सब ऑर्डिनेट टू क्लाइमेक्स क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, दिस स्टेटमेंट एडवोक्स अबाउट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बायोइडेफिक मतलब सॉइल से रिलेटेड फैक्टर हैं, तो वो क्लाइमेट क्लाइमेक्स को कैसे, मतलब अगर जैसे बस क्लाइमेट का जो क्लाइमेक्स है उसे सिर्फ एक से जैसे सॉयल बस उसको बदल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिल है, बस सॉयल की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। तो जब एक चीज़ की बात करते हैं, एक फैक्टर की बात करते हैं, तो वो होता है मोनोक्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच क्या है, नहीं है। माइक्रोसिस्टिस, हाँ ये करता है वाटर ब्लूम। डेफनिया जो है जू प्लैंकटन है, ठीक है। नेरियम जो है जीरो फैट है, ठीक है। तो लेकिन लोटिक जो होता है, लोटिक मतलब लोट लोट के समझ में आता है ना, तो लोट लोट के लुढ़क लुढ़क के बना, तो लोटिक मतलब जो बहता हुआ रहे, ठीक है, रनिंग वाटर रहे। लेकिन यहाँ पे स्टैगनेंट दिया, स्टैगनेंट का मतलब होता है लेंटिक। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। तो जूनिपरस प्लांट वेस्टर्न हिमालय मिलता है, ओके। डीडीटी जो होता है बायो मैग्निफिकेशन कराता है, यस कराता है। साइलेंट स्प्रिंग रिचल कर्सन ने लिखा था, यही हैवी मेटल पॉल्यूटेंट के ऊपर की हैवी मेटल बढ़ते रहे तो बायो मैग्निफिकेशन होगा, बायो मैग्निफिकेशन होगा तो बर्ड का एक सेल जो होगा कमज़ोर पड़ जाएगा और मैच्योर होने से पहले ही मर जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि बसंत ऋतु आएगी लेकिन चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ नहीं आएगी। तो अच्छा था नोवेल, कभी मौका मिला तो ज़रूर हम पढ़ेंगे। तो और कैरिंग कैपेसिटी, अगला, तो कैरिंग कैपेसिटी के सिलेक्टेड में देखा गया, आर सिलेक्टेड में नहीं। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, द कॉन्टैक्ट रिलेशन बिटवीन द टॉक्सिकेंट एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट फॉर टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो जो देखिए होता है कॉन्टैक्ट रिएक्शन बिटवीन टॉक्सिकेंट और स्पेसिफिक रिसेप्टर के बीच, तो उसे हम एक्सपोजर बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कहीं पे किसी भी रिसेप्टर से कोई टॉक्सिकेंट जाके बाइंड हो रहा है या जुड़ रहा है तो एक्सपोजर हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी पे टॉक्सिकेंट का इफेक्ट हो रहा है, तो उसे हम एक्सपोजर बोलते हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी इज एग्जांपल ऑफ। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं मोस्टली, क्रोनिक एक्सपोजर एंड एक्यूट एक्सपोजर। क्रोनिक मतलब कि बहुत दिनों से, ठीक है, जैसे कोई डिजीज हो रहा है, धीरे धीरे उसके सिम्पटम डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके बॉडी में कोई केमिकल एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसके वजह से कोई सिम्पटम देखे जा रहे हैं, तो उसे हम क्रोनिक बोलते हैं। एक्यूट मतलब एकाएक भाई हो गया सब, एक्यूट। तो जैसे भोपाल गैस में जो ट्रेजिडी हुई थी, मेथिल आइसोसाइनाइड निकला था तो वो एकाएक निकल गया ना, तो उसे एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट मतलब एकाएक, ऐसा समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट विच ओनली 50% ऑफ द टेस्ट पॉपुलेशन सर्वाइव इन्होंने। तो देखिए कोई भी हम जैसे, ये सारा चीज़ टॉक्सिकोलॉजी से आया है। अब तो टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर भी आप सब देख लीजिएगा। तो देखिए जब हम कोई भी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर टॉक्सिक का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मान लीजिए कोई हम लिए टेस्ट पॉपुलेशन, उसमें हम कोई भी टॉक्सिक अप्लाई कर दिए, तो उसमें देखें कि 50% जो है डेड कर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम LD50 कहते हैं, लीथल डोज। और जो सर्वाइव कर रहे हैं 50%, उसे हम लिस्ट कंसर्न डोज बोलते हैं, तो LC50 बोलते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, इन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, रिस्पॉन्स मीन्स, रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है,
रिस्पांस मतलब यही हो रहा है भाई कि अगर टेस्ट पॉपुलेशन लिए थे वहाँ पे हम टॉक्सिक दे दिए, तो हम वहाँ देख रहे हैं कि कैसे सर्वाइव हो रहे हैं, कैसे कौन डेड हो रहा है, तो उसका एक डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कर्व मिलता है। ओके, तो उसमें मतलब कर्व मतलब मिल रहा है, तो उसमें चेंज जो हो रहा है वही कर्व के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, तो वो बायोलॉजिकल चेंज हम उसे बोलते हैं। तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड बाई सेलुलोस में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सिंपल क्वेश्चन एकदम, बीटा 1,4 लिंकेज वहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, फास्फोराइलेशन इज रिलेटेड टू, तो फास्फोराइलेशन ठीक है, फास्फोराइल सबको पता है एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो उसे फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, फ्रूट राइपनिंग इज एडेड बाई, तो फ्रूट जैसे पकाने के लिए, जैसे आपके घर पे कोई फ्रूट रूट है उसे थोड़ा पहले ही तोड़ लिया जाता है कि कोई दूसरा ना ले जाए, तो फ्रूट के राइपनिंग के लिए जो यूज किया जाता है हार्मोन वो एथिलीन हार्मोन होता है। अगर बाज़ार में जाएंगे इथे फ़ोन करके मांगेंगे तो आपको दे देंगे, और बहुत सारे केमिकल आते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्लोरोफिल इज नेचुरली अकरिंग चीलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, तो चीलेट मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको चारों तरफ से दूसरे ग्रुप वाले घेरे होते हैं, तो उसे चीलेट बोलते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है, तो फोर फायरिंग रिंग के बीच में क्या मिलता है आपको, तो वहाँ पे मैग्नीशियम देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रोटीन आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड इन, तो इसमें बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है इस क्वेश्चन में। बहुत लोग कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत लोग कहेंगे गाल्जी अपरेटस होता है, तो बस इतना समझ लीजिए कि जब हम इनिशियल लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गाल्जी अपरेटस, लेकिन थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं तो देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बड़ा रोल प्ले करता है। तो BHU जो आपसे मांगता है आंसर की में भी इसका राइट आंसर गाल्जी अपरेटस ही दिया है, तो गोल्जी अपरेटस सही है। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लेके चलिए कि अगर गोल्जी बॉडी ना रहे तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिक कर दें। ओके, तो 80 का राइट आंसर 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 पूछ रहा है, द पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन इज, तो प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कैसा होता है, तो ये प्लानर होता है ठीक है, और हमेशा ट्रांस कन्फिग्रेशन में मिलता है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में आप देखेंगे वहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, व्हेन प्लांट आर ट्रीटेड विथ DCMU O2 इलेशन एंड फोटोफास्फोराइलेशन सीज वाई, कह रहा है कि DCMU का जब हम यूज करते हैं, ये एक हर्बिसाइड है ठीक है, जो फोटो सिस्टम सेकेंड को इनहिबिट कर देता है। ओके, तो ये क्या ऐसा करता है, ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है बिटवीन PS सेकेंड एंड फर्स्ट साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड आर कंज्यूम इन सिंथेसिस ऑफ एन अमीनो एसिड RNA, तो आप जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ठीक है, ट्रांसलेशन, तो वहाँ पे देखेंगे अमीनो एसिड RNA को बनाने के लिए 2 हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड की जरूरत होती है, ATP का 2 बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, एसेंशियल फैटी एसिड आर, तो एसेंशियल फैटी एसिड देखिए आर्किडोनिक ठीक है, लिनोलेनिक लिनेनिक ठीक है, तो ये सब है, तो ये सब अनसेचुरेटेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ये सब एसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इज, तो मोस्ट एसेंशियल जो है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल वो लिनोलिक एसिड है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, एंजाइम एग्जिस्ट इन सेल एच, तो जो सेल में हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एग्जिस्ट करते हैं कोलाइडल फॉर्म में। ओके, तो कोलाइडल फॉर्म में एंजाइम होते हैं हमारे सेल के अंदर। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन RNA और DNA इज दैट ऑफ, तो DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे देखा जाए सुगर मॉलिक्यूल में, वहाँ DNA में होता है डीऑक्सीराइबोज सुगर, और RNA में ऑक्सीराइबोज होता है, और वहाँ पे फास्फेट सुगर एंड बेस में देखा जाता है, सॉरी ओके, तो यहाँ पे देखा जाता है सुगर और बेस में, फास्फेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो DNA और RNA में सुगर और बेस में वही यूरेसिल और थाइमिन का डिफरेंस होता है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, ए वाटर सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यू बरीन इन इट्स कोर, तो कह रहा है कि
एक वाटर सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, तो उसके सेंटर में कौन सा अमीनो एसिड देखने को मिलेगा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का, ठीक है, जो भी अमीनो एसिड हाइड्रोफिलिक रहेंगे वो बाहर साइड में पेरिफेरल वाले पार्ट में रहेंगे, और जो भी हाइड्रोफोबिक रहेगा वो सेंटर में रहेगा। तो बस आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड के नाम याद करने हैं, आपको उसके कॉन्सेप्ट को देखना है। तो यहाँ पे आइसोल्यूशन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो मिलेगा आपको कोर के अंदर, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। द नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ जेड डीएनए हेलिक्स इज, तो टाइप आप डीएनए भी देख लीजिएगा, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जेड डीएनए के हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, वो 12 बेस पेयर होते हैं, जिगजैग डीएनए। अगला क्वेश्चन 91, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। तो आप जब डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे दो स्टैंड होता है, लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड। तो लीडिंग स्टैंड पे क्या होता है, कंटिन्यूस डीएनए का सिंथेसिस होता रहता है, लेकिन लैगिंग स्टैंड पे क्या होता है, देखा जाता है स्मॉल पैचेस के फॉर्म में डीएनए का सिंथेसिस होता है, जिसे हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपका बनता है ये लैगिंग स्टैंड पे, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। द कंपोनेंट F1 ATPase consist of following subunit structure, तो जब आप ऑक्सीसोम माइटोकांड्रिया में देखेंगे तो वहाँ पे F1 ATPase भी रहता है, ठीक है, तो वहाँ का जो उसका स्ट्रक्चर होता है अल्फा बीटा के 3-3 सब यूनिट होते हैं, गामा रहता है, डेल्टा होता है और एप्सिलॉन होता है सिंगल, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। इन यूकैरियोटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज टेक्स प्लेस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है यूकैरियोटिक में, वो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। इन फीडबैक इनहिबिशन अ मेटाबॉलिक पाथवे इज़ ऑफ बाय, तो मेटाबॉलिक फीडबैक इनहिबिशन में जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो क्यों बंद हो जाता है। भाई फीडबैक मतलब यही होता है कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है वो उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो उसमें टेक पार्ट करने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर रोक देता है, तो आगे रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं। तो एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट होता है, तो उस रिएक्शन पे काम करने वाला जो एंजाइम होता है, जैसा समझ लो भाई ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का अगर ज़्यादा मात्रा बढ़ गया तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वो हेक्सोकाइनेज को थोड़ा रोक देगा, ओके, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलते हैं 95 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, तो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एडिशन और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट एटीपी, तो ये सब इफेक्ट करता है, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर। 96 पे चलते हैं। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कितना एटीपी की जरूरत होता है, तो वो होता है 16 एटीपी, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। व्हाट टर्न ऑफ द लैग ऑपरॉन, तो वो क्या होता है जो लैग ऑपरॉन को टर्न ऑफ कर देता है। देखिए ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो भाई उस एस्क्रिया कोलाई को कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा, ठीक है, एंजाइम बनाने का, लैग ऑपरॉन चलाने का, वो ग्लूकोज से अपना काम करेगा, कहेगा भाई मैं क्यों जाऊँ लैक्टोज का बांड ब्रेक करने, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मुझे तो ग्लूकोज मिल रहा है भैया, आराम से खा के पड़ा रहूँगा। लेकिन जब ग्लूकोज अब्सेंट होता है तो उसको कहता है भाई अब मैं मरने वाला हूँ, अब मुझे लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, तो वो क्या करता है लैग ऑपरॉन को चालू कराता है, ओके, लैक्टोज एलो लैक्टोज की भी बात करते हैं इंड्यूसर की तरह, लेकिन वहाँ पे एलो लैक्टोज होता है जो मोस्ट करेक्ट होता है। तो जो टर्न ऑफ कराता है अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज नहीं रहेगा तो टर्न ऑफ हो जाएगा लैग ऑपरॉन। अगला क्वेश्चन, अ सेक्शन ऑफ डीएनए विथ बेसिस ATTCGC विल लाइन अप बेस, तो सिंपल सा एकदम चार ग्राफ का रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एडिनिन होता है थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, तो बस सिंपल एडिनिन के साथ कौन रहेगा, थायमिन रहेगा, बस एकदम ये तो मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। आर्किडोनिक एसिड इज, तो आर्किडोनिक एसिड ये भी सिंपल है, आर्किडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बस यहाँ पे बॉन्ड की आपकी बात करना है कि देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्किडोनिक एसिड में मैं बता दिया 4 डबल बॉन्ड होते हैं,
लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड में कितने कितने डबल बॉन्ड होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर वन होगा, आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फोर्स में प्लो ए रो इन फॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। तो प्रोटीन में क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, तो इसमें कौन कौन सा रोल प्ले करता है, कौन कर रहा है, कौन नहीं रोल प्ले करता है इसमें से। तो वहाँ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन रहेगा, डाइसल्फाइड ब्रिज रहेगा, लेकिन वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है अपना रोल प्ले करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। तो ये रहे आपके 2020 के 50 क्वेश्चन, 51 से लेके 100 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ओके, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।